क्या रिएक्शन मिले गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई तुम्हारे भाई ने व्लॉग की स्टार्टिंग करी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:35 और अभी मैं निकल रहा हूँ गाइस कॉलेज के लिए। जरा सीट वेट इसकी साफ कर लेते हैं, निकलते हैं भाई। इसको कोल्ड स्टार्ट भी करना है, गाड़ी गंदी भी अपनी बहुत ज़्यादा हो गई है। गाड़ी निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं। लेट्स गो, कोल्ड स्टार्ट कर दिया है गाड़ी को, निकलते हैं भाई। कोल्ड स्टार्ट हो जाए एक मिनट तक, फिर निकलते हैं इसको लेके। ज़्यादा देर मुझसे वेट नहीं होगा, बिकॉज मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी अपने कॉलेज के लिए, तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर कोल्ड स्टार्ट नहीं कर पाया। मतलब ठीक है, हो गई कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है भाई इन बाइकों में, क्योंकि इसमें फिर बाद में कोल्ड स्टार्ट हर बाइक में करना ज़रूरी है, हर बाइक और कार में, बिकॉज फिर उसके बाद जब चलाओ ना तब बार बार करंट छोड़ती है जब तक इंजन गर्म नहीं हो जाता है। ये चीज़ नोटिस करना तुम लोग, मैं नोटिस कर चुका हूँ, तभी मैं कोल्ड स्टार्ट ज़रूर करता हूँ। तो गाइस आज मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठंड स्टार्ट होने वाली है। वैसे भी ठंड आई गई, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 3 अक्टूबर है, तो अक्टूबर में भाई ठंड तो आई जाएगी। अक्टूबर चलने लगा तो देख रहे हो भाई, बादल वादल भी है आज, पक्का पानी भी बरसेगा और हम भीग भी सकते हैं, क्योंकि कॉलेज से जब आएंगे तब क्या पता पानी वानी बरसे आज। वैसे भी मैं 3 बजे तक क्लासेस करूँगा, 3 से 4 वाली नहीं करूँगा, बस एक क्लास छोड़ूंगा, बाकी कर लूँगा। एक क्लास वैसे भी अभी भी छूट गई, क्योंकि 10 से 11 भी एक क्लास थी, 9 से 10 भी थी, वो वाली हुई नहीं, 10 से 11 थी जिसमें मैं पहुँच नहीं पाया क्योंकि मैं सो रहा था। तो सो के उठ के बस मैं 11 बजे वाली क्लास, 11 बजे से 3 बजे तक क्लासेस करनी है अपने को। और फिर तो फिर आज देखो शेड्यूल टाइट है, आज वैसे जाने का अपना सीन है जिम वगैरह, क्योंकि भाई आजकल थोड़ा फैट वैट ज़्यादा चढ़ रहा है अपने पे। तो मैं पहले भी जब ब्लॉगिंग नहीं करता था उससे पहले मैं जिम ही करता था वैसे देखा जाए तो। तो अब फिर से भाई जिम वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। यहाँ पे देखो हम लोग आज शायद हाँ महोत्सव भैया लोग के फिटनेस जिम ज्वाइन कर लें, हो सकता है, क्योंकि आज से हमारा पूरा रूटीन बन चुका है जिम वगैरह का, पूरा जिम करना है। फिर क्या करना है, सारा पूरा रूटीन बना चुके हैं। कॉलेज के बाद जाएंगे बढ़िया रोज जिम करेंगे और भाई अपने बॉडी को मेंटेन रखेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, तो इससे बढ़िया रहेगा। मतलब एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है अगर जिम वगैरह जाओ, एक्सरसाइज जिम नहीं जाओ, एक्सरसाइज ही करो, तो एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है। मतलब दिमाग विमाग सब खुल जाता है एक तरीके से। तो हम लोग बढ़िया रोज़ जिम जाया करेंगे शाम को, अभी तो शाम को जाएंगे, फिर देखेंगे मंडे से सुबह से आज जिम ज्वाइन कर लें, सुबह से जाया करेंगे, देखो कैसा क्या होता है। अभी मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ कि मैं अभी कुछ खा पी के निकला नहीं हूँ, तभी मैं ज़्यादा सुबह टाइम ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ। तभी मैं मतलब कभी कभी सुबह सुबह ब्लॉग करता हूँ। वैसे तुम लोगों को देखने को तो डेली मिलता होगा कि मैं रोज़ कॉलेज जा रहा हूँ, रोज़ कॉलेज सुबह जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं ब्लॉग समझ रहा हूँ ना, मैं डेली अब तो वीडियोस नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कैमरा उठा करता हूँ तब मैं अपलोड कर देता हूँ, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। वैसे भी अपने पास बैकअप वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ब्लॉग ज़्यादातर एडिट करके डाल ही नहीं पा रहा हूँ, तो इस वजह से बैकअप बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा तेज़ चलते हैं, क्योंकि कॉलेज 11 बजे वाली अगर मैम ने एंट्री तो नहीं देंगी मुझको, क्योंकि उन्होंने मुझे कल लास्ट वार्निंग दी थी, मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था क्लास में। कल मैंने वैसे भी ब्लॉग नहीं बनाया था, कल परसों ब्लॉग नहीं बनाया था। आ गए गाइस हम लोग बीबीडी ग्रीन सिटी, बस चलते हैं खींचते हुए थ्रॉटल। ओहो यहाँ यार यही दिक्कत है, कब क्या कुछ आ जाए सामने कुछ पता नहीं चलता है, ट्रैफिक नहीं लगा हुआ है। आ गए गाइस यूनिवर्सिटी, वाइड एंगल है ना। हाँ भाई अल्ट्रा वाइड। शेट भाई खाओगे? नहीं भाई ये सबसे दूर रहता हूँ। खाओगी? अच्छा इससे कैम फोटो भी तो क्लिक होती है ना। हाँ हाय गाइस, आज हम लोग बैठ गए और यार मैंने चैनल नहीं जीना तेरा
हमारे तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आदत नहीं आज हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, यही बड़ा कंटेंट है। सबसे मेन बात आज हमने कोई भी क्लास नहीं किया, आज इतनी दूर से मैं तो करती ही नहीं। मेरे माँ बाप ने देख ही ना वीडियो, कोई क्लास नहीं है तो बेटा करते क्या जाती हो कॉलेज। इसके चैनल पर पड़ेगी उसे तो दिखाई दो। हाँ तो ये है चैनल के क्या बोलते हैं, आपके चैनल पर वीडियो बनेगी तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? लोगों ने मेरा चैनल हाईजैक कर लिया है, इनको मैंने पासवर्ड वगैरह दे दिया, आप ये मेरा चैनल अब यही लोग संभालेंगे। हमें बहुत चीजों के पासवर्ड पता है, हमें सब कुछ पता है, तो कुछ भी मेरे UPI से लेके हर एक पासवर्ड, नेट बैंकिंग, एवरीथिंग, सबके पासवर्ड, ATM कार्ड भी। मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। हाँ मेरा एक, मैंने सोच रखा है कि अंश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने दूंगी पूरे कॉलेज में। ऐसा सुन लो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम क्या, तुम्हारे माँ बाप भी अगर रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अंश खेलता दूसरे तरीके से। ये इसको मैंने बायकॉट करके रखा है हर लड़कियों से, नहीं जीत पाओगी यार। क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, इनको जैसा भी लग रहा है ये बिल्कुल गलत लग रहा है, इनके पास दिमाग विमाग है नहीं। ये लोग तो अपना घर में बॉयफ्रेंड बना के बतलाती हैं रात भर, मैं बता रहा हूँ सच। और मैं ऐसे ही निथल्ला मर जाऊँ तुम लोग, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि इनके साथ हम परमानेंट रहें, पर इनके साथ थोड़े ना रह पाएंगे, इनके साथ मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले हमें बॉयफ्रेंड बनवाओ तब हम आगे बात करेंगे। तो तुम्हारे लोग की नहीं, हम आपके साथ हैं। 15-20 बॉयफ्रेंड, इसके 100-200 बॉयफ्रेंड हैं। व्हाट द हेल, कहां से? अरे मैं भी सिंगल हूँ। मैंने अच्छे की बात बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, इन्होंने अच्छे की बात करी। अब तुम लोग कमेंट में बताना तुम्हारा भाई है अच्छा या नहीं है, एक बार जरूर ये कमेंट करना। ये तो तुम्हें भी पता है, और ये शिवाली का बहुत अच्छे से मैंने पतक लगवा दिया है। सबसे अच्छी मेरी दोस्त है, इसको मैं चाहे जो बताता हूँ बताती हूँ, समझी? समझ रहे? जहाँ पॉज आ रहा है ना वहाँ पॉज ले लो। यानी कि 4 अक्टूबर को लाहौनक झील पर बादल फटा। इस घटना के बाद झील से बहुत ज्यादा पानी बह गया, जिसके चलते तीस्ता नदी में अचानक। शुरुआत करते हैं इसका की सबसे बड़ी खबर से। रोल साउंड 3-2-1। नमस्कार, मैं हूं अंश ठाकुर और आप देख रहे हैं BBD मीडिया न्यूज। तो गाइस अभी मैं पार्किंग से अपनी बाइक को निकाल रहा हूँ, देख रहे हो कैसे सटा सटा के यहाँ लोग खड़ी करते हैं। इतनी ज्यादा धूप में खड़ी थी भाई, इतना जल रहा है ना क्या ही बोलूं। तो अभी चलते हैं भाई, मैंने अपना कॉलेज कर लिया है। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज्यादा, पागल हो जाए इंसान, इतनी ज्यादा गर्मी है। आज गाइस हमने खूब सारी मस्ती करी स्टूडियो में, जो कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैं आज बोल ही नहीं पा रहा था। वैसे मैं बहुत बोल लेता हूँ, वैसे मैं बोल ही नहीं आज पा रहा था। भाई क्या रिएक्शन मिले हैं, पहले मैं से एक थ्रॉटल दिया, लड़की बोली वो कूद गई मजाक चढ़ के, भाई मजा आ गया। अभी चलो यहाँ मजा लेते हैं। भाई मजा आ जाती है ड्यूक, जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा ना गाइस तब तो भाई ये आतंक मचा देगी, तब तो भाई कसम से आतंक आ जाएगा। अब देखो सब BBD वाले क्राउन मॉल जा रहे हैं। भाई मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं यहाँ इन सब जगह जाऊँ, क्राउन मॉल यहाँ जाके बैठूँ, मेरा मन ही नहीं लगता भाई। पता नहीं मैं क्या हो गया मेरे, मैं ये सब मुझे नहीं मजा आती कि वहाँ एकदम चूतिया टाइप के, क्या ही मैं बोलूँ, तुम लोग समझ रहे होगे कि जा रहे हैं क्राउन मॉल, फर्जी बैठ रहे हैं, कोई काम धंधा ही नहीं है लाइफ में, ये सब मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मुझे बस अपना काम होता है, कॉलेज 1 बजे तक कॉलेज क्लास थी तो कर ली, नहीं होती तो नहीं आता ही नहीं कॉलेज। यहाँ लोग फालतू फोकट में आते हैं कॉलेज में, सच बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनकी क्लास भी नहीं होती है, वो भी चले आते हैं मुँह उठा के। मेरा ऐसा वाला सीन नहीं है, अपना आता हूँ कॉलेज करा और जा रहे हैं घर, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
घूमना जिस दिन मस्ती करनी होती है कॉलेज वाली कर लेते हैं, बाकी मैं बाहर बहुत सारी मस्ती करता हूँ जो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाता हूँ क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, तो मैं इस वजह से तुम लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ गाइस। नहीं तो मैं वो दिखाना तो खूब चाहता हूँ कि मैं जब 1 बजे या 2 बजे तक कॉलेज करने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदलती है, मज़े आते हैं, वो तो भाई अलग ही होते हैं, तो मैं कभी कभार रिकॉर्ड करा करूँगा तुम लोगों के लिए। पर गाइस क्या बोलूँ भाई, मतलब ड्यूक का जो मज़ा है यार और ड्यूक का जो जलवा है वो सच में एक मतलब कार का नहीं है। एक तरफ आप इनोवा क्रिस्टा ले जाओ, एक तरफ ड्यूक 390 ले जाओ, ड्यूक 390 लोग ज़्यादा देखेंगे ड्यूक 390 को, सच बता रहा हूँ, ये मतलब एक जेन्युइन बात है। इनोवा क्रिस्टा नहीं, मैं अपनी गाड़ियाँ कह लेता हूँ, MG वो XUV हैरियर वगैरह कोई भी गाड़ी ले जाओ, उसमें कोई नहीं तुमको नोटिस करेगा। अगर आपके पास एक अगर अच्छी बाइक है वो ज़्यादा नोटिस करी जाएगी, इससे भी अच्छी जल्दी लाएंगे, टेंशन नहीं है, इससे अच्छी जल्दी लाएंगे, देखना भाई। बस तुम लोग सपोर्ट करते रहो और मैं चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और तुम लोगों को मज़ा दिलाता रहूँगा। कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वाले व्लॉग्स पढ़ते हैं अपने चैनल पे, मैं वो भी डालने हैं, मेरे को एडिट वगैरह करने हैं जिसमें हम लोग बढ़िया घूमने मस्ती करने गए थे कॉलेज वालों के साथ। तो ऐसा अपना कुछ सीन है, जा रहे हैं घर, और घर जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मुझे जाना है, क्या नाम है, मुझे जाना है हरदोई। मैं आज हरदोई शायद निकल रहा हूँ, अभी तो मेरा पूरा मन है हरदोई जाने का, तो अभी देखते हैं रूम पे जाके मन बदलेगा तो नहीं जाएंगे, वैसे मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा है हरदोई जाने का, तो आज मैं हरदोई निकल जाऊँगा, देखते हैं कैसा क्या सीन बनता है। देखो मैं जाऊँगा तो कार से ही जाऊँगा, अब देखो किसकी कार हो क्या सीन हो वो तुम लोगों को पता चल जाएगा आगे, और अभी तो हम चलते हैं भाई। जब मैं व्लॉग करता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा बोल लेता हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ पता नहीं मैं आज बोल नहीं पा रहा था स्टूडियो में, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ, नहीं तो मुझे लगी थी भूख तो इस वजह से नहीं बोल पा रहा था, ऐसा ही कुछ सीन था तभी मैं बोल नहीं पा रहा था, नहीं तो मुझे मतलब यार इतना ज़्यादा बुरा लगा है ना कि मैं इतना बोल लेता हूँ तब भी मैं पता नहीं स्टूडियो में गया तो मैं बोल क्यों नहीं पा रहा था, बस यही बात से भाई बहुत ज़्यादा चिढ़ लग रही थी मुझे, पर ठीक था, पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ, मतलब स्क्रीन के सामने कैमरे, इतने बड़े कैमरे के सामने पहला एक्सपीरियंस था तो थोड़ा तो अजीब लगता ही, तो इस वजह से क्या पता हो सकता है आगे मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा धीरे धीरे, वैसे भी 3 साल हैं, 3 साल तक कंफर्टेबल तो आराम से ही हो जाएंगे, ऑलरेडी मैं कैमरे से मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं क्या सीन चल रहा था, तो बस यही था, मूड थोड़ा ख़राब हो गया था पर उसको मैंने मूड को ठीक कर लिया अपनी ड्यूक को थोड़ा बहुत भगा के, अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। तो बस चलते हैं जल्दी से PG पे, आराम से थोड़ा आराम करते हैं, देन फिर देखते हैं हरदोई के लिए निकलते हैं। भाई मैं तैयार हो चुका हूँ मतलब घर जाने के लिए, आज मैं तैयार क्या हो गया, मैं चला गया था सोने तो भी कपड़े वपड़े उतार के सोया था, फिर मैंने यही वाली टी शर्ट पहन ली बिकॉज इसको जाएंगे घर पे वॉश करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ मैं वॉश वॉश करता नहीं, मैं लॉन्ड्री में ज़्यादा ज़्यादा कपड़े देता हूँ, तो इस वजह से इसको बढ़िया अच्छे से वॉश वगैरह करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर पे जाएंगे घर पे, तभी मैंने सोचा कि इसको ही पहन के चलते हैं। और अभी भाई क्या है कि मैं कार से नहीं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ गाइस बस से, मैं यहाँ से जाऊँगा पहले कैब से केसरबाग तक, फिर वहाँ से जाऊँगा बस से, बिकॉज कार से जाने का अपना सीन अभी भी है पर वो लेट मतलब जाएगा, जो भी मेरा दोस्त है वो लेट जाएगा, 8-9 बजे तरफ जाएगा, तो 8-9 बजे तरफ मेरे जाने का कोई मन नहीं है, मेरा मन बस अभी हरदोई का है, हरदोई जाना है अपने को, बढ़िया 2-3 दिन रहना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं करना है, मतलब वो रात में जाएगा फिर रात में मेरा कोई मूड नहीं रहेगा जाने वाने का, रात में फिर मैं यहीं घूमता रह जाऊँगा, जा भी नहीं पाऊँगा हरदोई, तो अभी निकलते हैं बस, कैब आ जाती, कैब से चलते हैं हरदोई, कैब से हरदोई नहीं कैसरबाग चलते हैं।